हवा हूँ हवा हूँ बसंती हवा हूँ। ओ तुम लोग आ गए। तो भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी? एकदम झकास। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है सुब्रमण्या भारती। ये पोयम यार ओरिजिनली तमिल में लिखा गया था, लेकिन फिर बाद में A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इन्हीं भाई साहब का देन है कि आज हम इस विंड पोम को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये तमिल में लिखी होती तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। मजाक को साइड में रखते हैं और सीरियस बातों पे आते हैं। विंड को ना यार यहाँ पर प्रॉब्लम से रिलेट किया गया है। विंड इज इक्वल टू प्रॉब्लम। वो कैसे, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। पोएट कहते हैं कि ए हवा तू बहुत धीरे से आना, बहुत ही सॉफ्टली आना, किसी भी विंडोज को झंझोरना मत, जो पेपर रखे हैं उसे फरफराना मत, जो बुक्स रखी है उसे गिराना मत। पोएट ये सारी चीज विंड से कह रहे हैं, हवा से कह रहे हैं कि तू धीरे से आना, ठीक है। लेकिन यार हवा तो अपनी मनमौजी करती है, उसको जो दिल में आता वो करती है। पोएट की बातें नहीं सुनती, वो बहुत तेजी से आती है। अब देख जब तू तेज आई तो तूने क्या किया, तूने सारे चीजों को गिरा दिया, जो बुक्स में पेपर थे उन सबको तूने फाड़ दिया। जब तू तेज आई तो साथ साथ तू बारिश भी लेकर आई। ए हवा तू ना बहुत चलाक है, तू कमजोर चीजों का ना मजाक बनाती है। वीकलिंग्स का मतलब है वीक थिंग्स, जो कमजोर चीजें होती है ना वो। तू तेज आई तो तेरे आने की वजह से जितने भी कमजोर चीज थे वो टूट गए, जितने भी कमजोर घर थे वो टूट गए, जो दरवाजे कमजोर थे वो सारे टूट गए, जो पिलर्स थे वो ढह गए, लकड़ियां टूट गई, जो बॉडीज थी, जो कमजोर बॉडीज थी, बॉडी का मतलब यार इंसान का बॉडी, जो कमजोर व्यक्ति थे वो भी टूट गए। हवा की वजह से कमजोर व्यक्ति कैसे टूट सकता है? हवा इज इक्वल टू प्रॉब्लम, मैंने तुमको शुरू शुरू में कहा था। पोएट का यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो कमजोर व्यक्ति को तोड़ देती है, अंदर से झंझोर देती है। तेरे आने की वजह से पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई, यानी कि जब प्रॉब्लम आती है तो कमजोर व्यक्ति की लाइफ को बर्बाद कर देती है। उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि वो टूट जाता है बेचारा। तूने कमजोर दिलों को भी तोड़ दिया, यानी कि जो लोग दिल से कमजोर थे, जो इमोशनली वीक थे, उन सबको भी प्रॉब्लम्स जब आती है हमारे लाइफ में तो तोड़ देती है। पोएट हमें इस पोम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान फिजिकली कमजोर होता है, मेंटली कमजोर होता है, इमोशनली कमजोर होता है, उसको कोई भी आकर तोड़ सकता है। उसके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो उस इंसान को तोड़ देगी, अंदर ही अंदर उसको और ज्यादा कमजोर बना देगी। वो इन सारे प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पाएगा और उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनोज यार एक तरह की टेक्निक होती है जिससे यार हम लोग अनाज को और कचरे को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तुमने देखा होगा कि यार गांव वगैरह में जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो सूप लेकर और ऊपर से अनाज को नीचे की ओर गिराती है, तो जो भी भारी चीज होता है वो तो नीचे गिर जाता है और जो हल्का चीज होता है वो हवा के मारे उड़ जाता है। आजकल तो हवा उतनी बहती नहीं है तो लोग पंखा लगा कर ही काम चला लेते हैं। मतलब यार सूप में या फिर किसी भी चीज में लेकर अनाज को ऊपर से गिराएंगे तो हवा के कारण जो भी स्ट्रांग चीज होगी वो तो नीचे ही आ जाएगी और जो हल्की चीज होगी, जो वीक चीज होगी, कमजोर चीज होगी, वो सब उड़ जाएगी और इससे अनाज और अनाज का जो कचरा है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इस लाइन से पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हवा के देवता हैं, जो पवन देव हैं, वो सारे कमजोर चीजों को अलग फेंक देते हैं और जो स्ट्रांग चीज है उसको ही रखते हैं। जैसा तुम कहोगे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए लेट्स ब्रिंग द स्ट्रांग होम्स, आओ चलकर हम लोग मजबूत घर बनाते हैं जिसका हवा कुछ भी बिगाड़ ना सके। अगर तुम कमजोर हो तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अगर तुम फिजिकली कमजोर हो, मेंटली कमजोर हो, तो उस चीज पे काम करो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, वरना कोई भी इंसान आएगा और तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल कर चला जाएगा। जस्ट लाइक विंड, हवा आता है और कमजोर चीजों को तोड़ कर चला जाता है, वैसे ही अगर तुम फिजिकली मेंटली कमजोर रहोगे तो कोई दूसरा इंसान आएगा और तुम्हें तोड़ कर चला जाएगा। अगर तुम इमोशनली कमजोर होगे तो कोई आएगी तुम्हारी जिंदगी में दिल के साथ खेल के चली जाएगी, अगर तुम फिजिकली कमजोर रहोगे तो कोई आएगा दो चार लप्पर लगाएगा और चला जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। स्टडी फास्ट का मतलब है कि अपने अंदर कोई भी बदलाव न लाना, स्ट्रांग रहना, तुम अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई दूसरा आकर अगर तुम्हारा कान भी भरे तो तुम उसकी बातों में ना आओ, अपने एटीट्यूड को चेंज ना करो, अपने माइंड को चेंज ना करो, वरना अगर तुम दिल से कमजोर रहोगे ना तो कुछ लोग आएंगे तुम्हारे कान में उल्टा सीधा भरेंगे और तुम्हारा माइंड ऑफ स्टेट चेंज हो जाएगा। मान लो तुम दो दोस्त हो, तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, तो कोई दूसरा बंदा आएगा तुम्हारे कान में उसके बारे में उल्टा सीधा भरेगा और अगर तुम दिल से कमजोर रहोगे तो उसके बातों में आ जाओगे और अपने दोस्त से गद्दारी कर बैठोगे, मतलब उस पर गुस्सा कर बैठोगे, गद्दारी तो नहीं करोगे, गुस्सा कर बैठोगे। तो इसीलिए दिल से दिमाग से इतने मजबूत हो जाओ कि चाहे कोई दूसरा बंदा आके कुछ भी कहे, अपना माइंड तुम चेंज ना करना, ठीक है। और अगर तुम ऐसा करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे, तो जो विंड है ना वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा।
क्योंकि हवा ना छोटे मोटे आग को बुझा देता है, लेकिन अगर वही आग स्ट्रॉन्गर हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिसकी जंगल वगैरह में लग गया आग, तो हवा उसका दोस्त हो जाएगा और जैसे ही हवा बहेगी तो वो आग ना और जलने लगेगा। इसका दूसरा अर्थ ये है कि प्रॉब्लम्स जब आती है ना तो वीक इंसान को तोड़ देती है, वीक इंसान को और वीक बना देती है, लेकिन जो इंसान स्ट्रांग होता है ना उसको और स्ट्रांग बना देती है। कैसे? मान लो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आई और तुमने उसको सॉल्व कर लिया, तो एक बार सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चल गया कि हाँ इस प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो तुम और स्ट्रांग हो गए। फिर तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आई, तुमने उसको भी सॉल्व किया, फिर और आई, फिर उसको भी सॉल्व किया, तो एक पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो प्रॉब्लम्स हमेशा कमज़ोर इंसान को कमज़ोर बना देती है और स्ट्रांग इंसान को स्ट्रांग बना देती है। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। इस पोम में पोएट साहब ना विंड का एग्जांपल लेके हमें ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे हवा आती है वैसे प्रॉब्लम्स भी आएगी, और हवा अगर धीरे से आई, सॉफ्टली आई, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन अगर वही ज़्यादा भयंकर हवा आ गई, प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा आ गई तुम्हारी लाइफ में, तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, तुम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और अगर तुम स्ट्रांग रहे तो हवा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, मतलब कि प्रॉब्लम्स तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और स्ट्रांग हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम्स आएगी उसको भी सॉल्व करोगे और स्ट्रांग हो जाओगे। तो बस यार पोम यहीं पे खत्म हो गई। बाकी हम लोग यार पोएट्रिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस हैं। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट कर रही है, जैसे कि डोंट 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 बार बार रिपीट कर रही है, यू 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 ये भी रिपीट कर रही है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब यार जो ह्यूमन लाइफ से कंपेयर की जाती है, विंड को हमारे ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। देखो विंड को ना यू कहा गया है, ये देखो यहाँ पर यू 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 कहा गया है। अब नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग यू तो नहीं कहते यार, लिविंग थिंग्स को यू कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तीसरा है रेपिटेशन। क्रम्बलिंग 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 बार बार रिपीट हो रहा है। चौथा है सिम्बोलाइजिंग। किसी एक चीज़ को सिम्बोलाइज किया गया है, विंड को प्रॉब्लम से सिम्बोलाइज किया गया है। पांचवा है एलिट्रेशन। दो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम, जैसे कि विंड विनोज। तो बस खत्म हो गई पोयम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, स्ट्रांग बनो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, चलो बाय बाय।